आज इतनी तादाद में इकट्ठा होके इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होके मोदी सरकार की नाक पर नकेल डालने का काम आपने किया है। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं आपको, और इसी मंच पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने कहा था जहां हमारा शासन वहां पुरानी पेंशन, और दिल्ली की विधानसभा में ओल्ड पेंशन की स्कीम बहाली की गई, और पंजाब के अंदर वहां की कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा आपसे किया है उसको पूरा कराया हो। देश की संसद में जब भी आपकी आवाज उठाने का मौका आया, मैंने पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाई है। अभी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर किया है, लेकिन मैं जिस दिन बहाल होऊंगा, संसद के अंदर जाऊंगा, पुरानी पेंशन का मसला फिर से देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। ये वादा और भरोसा। बंधु जी, किसानों के नेता राकेश टिकैत जी और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए बहादुर कर्मचारी साथियों, आपका दिल्ली में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। और राकेश टिकैत जी जानते हैं, खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होके इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होके मोदी सरकार की नाक पर नकेल डालने का काम आपने किया है। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं आपको, और इसी मंच पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने कहा था जहां हमारा शासन वहां पुरानी पेंशन, और दिल्ली की विधानसभा में ओल्ड पेंशन की स्कीम बहाली की गई, और पंजाब के अंदर वहां की कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा आपसे किया है उसको पूरा करेंगे। हमने कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी तो लागू होगी, केजरीवाल गारंटी देते हैं, झूठा वादा नहीं करते। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तो देश की संसद में कहा, देश की पार्लियामेंट में कहा, 40 साल कोई कर्मचारी अगर नौकरी करता है, 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती, 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती, 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है, 40 साल कर्मचारी रहने वाले को पेंशन नहीं मिलती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में भरोसा दिलाने के आया हूं, देश की संसद में जब भी आपकी आवाज उठाने का मौका आया, मैंने पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाई है। अभी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर किया है, लेकिन मैं जिस दिन बहाल होऊंगा, संसद के अंदर जाऊंगा, पुरानी पेंशन का मसला फिर से देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। ये वादा और भरोसा आपको दिला रहे हैं। आपकी लड़ाई में पहले दिन से आपकी लड़ाई में आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूं, आगे भी आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता।